ग्वालियर शहर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार थाना स्तर पर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध हथियार लेकर घूमने वाले असामाजिक तत्वों की भी धरपकड़ लगातार जारी है। ऐसे ही एक मामले में महाराजपुरा थाना क्षेत्र के टाइगर चौक से पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को लोडेड देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए 18 वर्षीय युवक अनुज वाजपेयी को महाराजपुर थाना क्षेत्र के टाइगर चौक पर रुका और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 315 बोर का कट्टा मिला। आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी डीएसपी विजय भदौरिया ने दी। कल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार शहर के अलग अलग भागों में गहन चेकिंग करी जा रही है और उसमें संदिग्ध लोगों की चेकिंग भी साथ में की जा रही है। कल टाइगर चौक पे महाराजपुरा पुलिस जब चेकिंग कर रही थी, तब एक संदिग्ध सा युवक दिखाई दी। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कमर में फंसा हुआ एक कट्टा 315 बोर का और एक जिंदा कारतूस मिला है। यह व्यक्ति गोविंद नगर भिंड का रहने वाला है और यहाँ पर किराए से गोवर्धन कॉलोनी में रहता है और किसी शॉप पर काम करता है। किस नियत से लेकर घूम रहा है अभी उससे पूछताछ जारी है।